नागिस्तान वासियों, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन इस पूजा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूजा अधूरी है। आज का दिन नागों की दुनिया का सबसे अहम दिन है। दुनिया भर के नाग आज मेरी सेवा में नतमस्तक होते हैं, लेकिन आज एक सपोली ने इस नियम को तोड़ा है। आज की इस पूजा में ना आकर उसने मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है। युगों युगों से जो प्रथा चली आई है, इच्छा ने आज इसे खंडित किया है, वो भी एक इंसान के लिए। उसे इसकी सजा मिलेगी। आज तक इच्छा ने नागों के देव की कृपा देखी है, अब वो मेरा कहर देखेगी। अपनी गृहस्थी के लिए इच्छा ने इस पवित्र पूजा का अपमान किया है, अब उसे अपनी गृहस्थी देकर इसका मोल चुकाना होगा। आज इच्छा को उसकी गलती की वो सजा मिलेगी, जिसे देखकर आज के बाद कोई भी नाग नागिन इस पूजा में अनुपस्थित रहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। इच्छा इस पूजा में नहीं आ पाए और नागोमि देव क्रोधित हो चुके हैं। अब पता नहीं इच्छा को वो इसकी क्या सजा देगी। शोभा, शोभा, नागोमि देव। मजा आ गया आज तो। इच्छा, ये आज तक का मेरा सबसे अच्छा बुद्धि था। आज का दिन हम सबके लिए स्पेशल है, और फिर मैं आपकी पत्नी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा बब्बल जी, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं सो जाऊँ? हाँ ठीक है। अरे मैं देखता हूँ, एक मिनट तुम आराम करो। अरे भाभी आइए ना। इच्छा ये ले दूध, तेरे लिए लाई हूँ, तू रोज रात को दूध पीकर सोती है ना। अरे हाँ दीदी, लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं खुद तकलीफ कैसी, मैं रसोई का काम करके निकल ही रही थी, अचानक याद आया आज तूने दूध तो लिया ही नहीं, इसलिए मैं ले आई। अब तुझे आधी रात को उठना नहीं पड़ेगा। थैंक यू दीदी, लेकिन आज मेरा दूध पीने का मन नहीं है। अच्छा तू दूध के लिए मना कर रही है अब वो? अरे भाभी इसे नहीं पीना है तो रहने दो ना, मैं पी लूंगा, लाइए। थैंक यू। बस मजा आ गया। इच्छा, इच्छा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो तुम, हाँ तुम्हें चक्कर आ रहे थे, मैंने अभी अभी देखा। हल्का सा चक्कर आ गया था दिन भर की भागा दौड़ी की वजह से। अब मैं समझा, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं होगा, है ना? क्या इच्छा, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, हाँ खाने पीने के मामले में लापरवाही नहीं करते। प्यार से समझाता हूँ, तुम समझती नहीं हो। लगता है अब दादी बनकर उन्हीं के अंदाज में तुम्हें समझाना होगा। देख छोरी, अगर तूने वक्त पे खाना नहीं खाया तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। हे भगवान, अचानक मेरी आवाज दादी जैसी क्यों लग रही है? अरे नहीं नहीं बब्बल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपके कान बज रहे हैं। नहीं नहीं मेरे कान बिल्कुल ठीक है। ये अचानक मेरी आवाज पतली कैसे लग रही है?
कभी कभी ऐसा होता है बब्बल जी, लेकिन आपको दादी बनने की जरूरत नहीं है, आप तो बब्बल जी ठीक है ना? हाँ मेरी जान, मैं बब्बल ही अच्छा हूँ। अब अपने बब्बल की बात मानो और कुछ खा लो। ठीक है, मैं अभी कुछ खा कर आती हूँ। वाकू, वाकू तू कहाँ है? वाकू जल्दी से आजा, मुझे तेरी जरूरत है। वाकू, तुझ तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जवाब दे वाकू। कहाँ फंस गया ये? इच्छा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और तुम पूजा में क्यों नहीं आई? तुम जानती थी ना तुम्हारा पूजा मैंने कितना जरूरी था। नागिस्तान के इतिहास में आज तक कोई पूजा में अनुपस्थित नहीं रहा। तुम पहली नागिन हो जो। तुम जानती हो तुम्हारी इस लापरवाही का क्या अंजाम हुआ है? पड़ी धराए। युगो युगो से जो प्रथा चली आई है, इच्छा ने आज इसे खंडित किया है, उसे इसकी सजा मिलेगी। नागोमी देव तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित है, ना जाने वो तुम्हें इसकी क्या सजा देंगे। देंगे नहीं वाकू, सजा दे दी है उन्होंने, बहुत ही अजीब सी सजा दी है। अजीब सी? उन्होंने बब्बल जी को इच्छाधारी नाग बना दिया है। क्या बात कर रही हो? इच्छाधारी नाग, मतलब वो भी हमारे जैसा? अरे ये सजा कहाँ, ये तो खुशी की बात है, ये वरदान है। तुम इच्छाधारी नागिन, वो इच्छाधारी नाग, और तुम दोनों। पागलों जैसी बातें मत करवा को। बब्बल जी अभी इच्छाधारी नाग बने, उन्हें नागों के बारे में, उनकी शक्ति या उनकी आदतों के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे में वो, ऐसे में बब्बल का नाग बनना असली मजा तो अब आएगा। मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, क्या बब्बल को भी पता है कि वो? नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन किसी भी वक्त पता चल सकता है। उससे पहले मुझे नागिस्तान जाना होगा, नागोमी देव से माफी मांगनी होगी, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो बब्बल जी को इस सजा से दूर रखे। बापू मैं नागिस्तान जाती हूँ, तब तक तू इच्छा बन जा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त खुलेआम निकलना ठीक नहीं होगा। मैं पिताजी बनकर जाती हूँ, ताकि किसी ने देख भी लिया तो शक नहीं होगा। पिताजी क्यों नहीं बनी? खैर दादी बन जाती हूँ। दादी भी नहीं बन पा रही, क्या हो रहा है? ममता दीदी बन जाती हूँ। ये भी नहीं, ये क्या हो रहा है बापू? मैं अपना रूप भी नहीं बदल पा रही हूँ। इसका मतलब साफ है, नागोमी देव ने तुम्हें दोहरी सजा दी है। एक तरफ उन्होंने बब्बल को इच्छाधारी नाग बना दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली। अब तुम एक आम इंसान हो। नागिस्तान नहीं जा पाऊंगी, नागोमी देव से माफी भी नहीं मांग पाऊंगी, अब मैं क्या करूं? हे नागोमी देव, ये कैसी सजा दे दी आपने इच्छा को? ऐसे तो मेरी सपूती का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक इच्छाधारी नागिन से अचानक एक आम इंसान बनकर वो कैसे जी पाएगी? और शायद वो इस इम्तिहान में खरी भी उतर जाए, पर बब्बल वो एक नाग बनकर कैसे? एक हस्ती खेलती गृहस्थी खत्म हो जाएगी। न जाने कितने सारे राज खुल जाएंगे। सिर्फ राज खुलने का डर नहीं है मुखिया जी, उनके खुलने के बाद जो सच सामने आएगा वो इच्छा की जिंदगी में तबाही मचा देगा।
हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। लेकिन कौन रोकेगा उसे और कैसे? मैं रोकूंगी। मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अपना फन झुकाकर अपने पूछ पर खड़ी होकर नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी। है नागोमी देव, आप तो परम दयालु हैं, बड़े फन वाले हैं। एक माँ की आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। मैं मानती हूँ कि मेरी इच्छा से गलती हुई है, पर उसने इतनी कठोर सजा मत दीजिए। नागोमी देव वो तो यहाँ आना चाहती थी, लेकिन इच्छा को माफ कर दीजिए। और बब्बल की तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, फिर उसे क्यों? वो और उसका परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इच्छा का नागिन से इंसान बनना, इसका दूसरा मतलब वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एक मिनट बबल जी, ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसे भागे क्यों जा रहे हैं? अरे अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब मैं यहाँ, मेरा शरीर कहीं और। इच्छा मेरा शरीर अपने आप खींच कर, इच्छा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन और अजीब तो लग रहा है मुझे। इच्छा ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त मेरा जबड़ा बाहर निकल आएगा और मेरी गर्दन लंबी हो जाएगी। कैसे 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 नाक फन निकलता है? हाँ बिल्कुल वैसे ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगा लिया मैंने बब्बल जी, अंदाजा लगा लिया जिस तरह आप बोल रहे थे ना। और इच्छा अजीब अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। जिन चीजों से आज तक डर नहीं लगा मुझे उनसे डर लग रहा है। मतलब मैं खिड़की के बाहर देख रहा था तो वहां पर एक चील बैठा था, मुझे ऐसे घूर कर देख रहा था। इच्छा उसे देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं ऐसे लगा जैसे कोई शक्ति है जो मुझे उसे दूर भागने के लिए कह रही है। इच्छा आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, आप एक काम कीजिए, सो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह उठते ही ना सारी बातें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है? पक्का पक्का। हे नागोमी देव, रहम, ऐसा मत कीजिए। मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों दे रहे हैं? इनका क्या दोष है? अभी शुरुआत नहीं हुई, इनकी ऐसी हालत है, आगे आगे तो। पिताजी ने भैंसों का दूध निकाल कर रखा होगा, ले आती हूँ। अप्पू को भी तो सुबह उठते ही दूध चाहिए होगा ना। ठीक, आवाज तो ममता दीदी की थी शायद, लेकिन ऐसा बब्बल जी कहाँ गए? देखना होगा। अरे क्या हो गया छोरी, तू इतना जोर से चिल्लाए क्यों? कोई भूत भूत देख लिया के? नहीं नहीं, देवर जी को देख लिया। अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी, अपना बब्बल कोई भूत थोड़ी ना है। देवर जी को देख लिया मतलब उनको सांप की तरह रेंगते हुए देख लिया। अरे नाना ममता, बब्बल कसरत कर रहा होगा, सूर्य देवता को प्रणाम कर रहा था क्या छोरे? नहीं पिताजी, भाभी सच कह रही है। मतलब कल रात से ही कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब सा लग रहा है।
बब्बल जी, ये सब कल रात की पार्टी का असर है। सबल भैया, कल किसी ने बब्बल जी को भांग मांग तो नहीं दी खाने में या केक में मिलाकर? कैसी बातें कर रही तू इच्छा, कोई बब्बल को भांग क्यों खिलाएगा? कल कोई होली थोड़ी ना थी। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है। तेरी नींद पूरी ना हुई है, जा जाके सो जा। चलिए। नींद पूरी ना हो तो उसे सब चला है। अब क्या हो गया तुझे? माँ, दिल्ली में हैवी वेट कुश्ती हो रही है और मैंने वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बल्ली को चैलेंज किया। मुझे आशीर्वाद दे माँ, मैं ही जीत के आऊँ। तू जीत के आएगा, जरूर जीत के आएगा। चल रो मत, मेरे पीछे सबका ख्याल रखना, मेरे पीछे मत आना, ठीक है? अरे खड़ा का अपनी लकी लंगोट तो ले जा। अरे माँ वो मैंने पहन ली। चलिए बब्बल जी थोड़ी देर सो जाइए। अब नहीं इच्छा, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। मतलब एक अंधेरा सा बिल हो, उसमें एक छोटा सा गड्ढा हो, उसमें जाके सोने का मन कर रहा है। बब्बल जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा दिमाग मुझे कहीं और खींच रहा है, दिल कुछ और करने को कह रहा है और शरीर में बस सुरसुरी सी दौड़ रही है। बब्बल जी आप अपने तन और मन से सुरसुरी को हटा दीजिए, आप बब्बल जी अच्छे हैं, है ना? हाँ मैं बब्बल ही अच्छा हूँ। अरे लेकिन मैंने कहा बब्बल मैं... जी आप शांत हो जाइए, सोचना बंद कर दीजिए, आराम से सो जाइए। देखिए मन का तो काम होता है बैठना, लेकिन हमें उसे काबू में रखना चाहिए। अरे अच्छा मैं वही तो नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग में भलती बातें चल रही है, कानों में भलती बातें गूंज रही है, मन करता है कि मैं ना मुझे कुछ सुनाई दे ना मुझे कुछ महसूस हो, एकदम प्रबल भैया जैसे। मैं देखता हूँ। नहीं 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 बब्बल जी आप यहाँ बैठे आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। कौन आया होगा, किसी ने बब्बल जी को प्रबल भैया बने देख लिया तो? अरे इच्छा दरवाजा देख रही है ना? हाँ मैं देख रही हूँ। अरे इच्छा क्या कर रही थी, इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोली थी? नहीं वो जरा कुछ काम है भैया। ठीक है बब्बल कहाँ है? एक काम कर उसको लेके बाहर आ जा, दादी बुला रही है। जी क्या? अरे ये शीशा कमरे के बीच में क्यों रख दिया, इसे साइड में रख, आते जाते टकराती रहेगी। ठीक है भैया। शीशा, ये प्रबल भैया किस शीशे की बात कर रहे थे? यहाँ तो कोई शीशा नहीं है। छोड़िए ना बब्बल जी, ऐसे बोल दिया होगा, आपको तो पता है ना प्रबल भैया कितने शरारती, हमेशा मस्ती करते रहते हैं, आप ध्यान मत दीजिए। अरे मैं ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कह रहा था ध्यान कि... नहीं बब्बल जी ध्यान। मैंने ज्ञान सुना? अरे अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रबल भैया जैसा बन चुका हूँ? मुझे सुनाई भी कम दे रहा है, ध्यान ये चक्कर क्या है? ये दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? नहीं नहीं बब्बल जी आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा मन जो हमसे कहता है हम वो बन जाते हैं। क्या आपका मन आपको प्रबल भैया बनने के लिए कह रहा है? नहीं नहीं मैं बब्बल ही अच्छा हूँ। इस बार तो संभाल लिया इच्छा, बब्बल जी के सामने सच्चाई आने नहीं दी, लेकिन इस तरह कब तक संभाल पाएगी? आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.